बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक, तो जिसके लिए हमने एक बाउल मैदा लिया है। थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे इसलिए हमने मैदा भर के एक बाउल लिया है। ये कोकोनट ऑयल लिया है एक बाउल, इसमें हम कोई रिफाइंड या मक्खन नहीं यूज़ करेंगे। ये कोकोनट ऑयल है और ये एक पाउच हमने सिरप लिया है, चॉकलेट सिरप। 5 अंडे, चॉकलेट पाउडर, शुगर है 6 चम्मच। शुगर आप मीठा जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये जो ना चीनी थी जिसे हमने पीस के पाउडर बना लिया है फाइन एकदम। अब सारा हम पाउडर ये जो है हटा, और बेकिंग पाउडर भी इसमें डालेंगे। वो जब हम डालेंगे तो आपको दिखा देंगे कितना हमें डालना है। और एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा बनता है। सारे अंडे हमने इसमें डाल दिए, कोई हम दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इतने हमने अंडे, क्योंकि हम ज़्यादा ही यूज़ करते हैं केक में, इससे केक ज़्यादा ही अच्छा बन जाता है ना। इसलिए देखिए अच्छे से हमने इसे बीट कर लिया है। हमने बीटर से नहीं किया, हमने जार में ही डाल के सीधा मिक्सी में ही कर लिया है। इससे जल्दी हो जाता है ना काम, हमारा जो है आसान हो जाएगा। थोड़ा सा हमने इसमें रोक लिया है क्योंकि हम अब इसमें मैदा डालेंगे सारा। 1 चम्मच हमने इसमें भर के वनीला एसेंस डाल दिया है और हमने इसमें नमक 2 पिंच करीब डाला था, जो कि हम दिखाना भूल गए थे, सॉरी, हमने दो पिंच नमक डाला था। केक में नमक का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मीठी चीज़ में अगर थोड़ा नमक डाल दूँ टेस्ट जो होता है ना वो इन्हेंस हो जाता है, ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। और हम इसमें अब ऑयल डालेंगे और इसमें हम बेकिंग पाउडर डाल लें। हमने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और 2 चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डाला है हमने भर के। 2 चम्मच हमने इसमें चॉकलेट पाउडर डाला है, कोको पाउडर। इसमें हमने चॉकलेट सिरप जो लिया था ना वो पूरा 1 पाउच हमने डाल दिया है। इसमें ना बहुत ज़्यादा हो गया ना, कहीं गिर ना जाए, क्योंकि जब फूलेगा तो हम थोड़ा इसमें से कम कर ले रहे हैं। और देखिए कितना अच्छे से हमने बीट करा इसे, और इतनी ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए, इसे ना कम ना ज़्यादा, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडे आप ज़्यादा लेंगी ना तो आपका केक बहुत ही ज़्यादा यमी बनेगा। बस अब हम इसे जो ना ओवन में बेक करेंगे और इसको हम कढ़ाई में चढ़ा देंगे। हमने नमक डाल के रख दिया है और अब हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। इसको करीब 35 मिनट हमको, सॉरी 45 मिनट जो है कढ़ाई में पकाएंगे, 40 से 45 मिनट इसमें लगेंगे। और ये तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि ओवन में बेक करने में जल्दी हो जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से जो है फूल गया है ये। अभी बहुत हल्की सी कसर रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इसको 2 मिनट और पकाएंगे बस। ये देखिए कितने अच्छे से बेक हुआ है और बिल्कुल साइडें छोड़ दिया है और एकदम जाली जाली एकदम पफदार बना है। ये हो चुका है एकदम, और बहुत अभी गर्म है ना, तो अभी थोड़ा सा रुक के निकालेंगे इससे, क्योंकि बहुत ही तेज़ गर्म हो रहा है। ये देखिए ये भी पक चुका है बिल्कुल। ये देखिए कितना अच्छा केक बना है, एकदम स्पंजी बना है, एकदम जाली जाली है। ये भी बहुत गर्म है ना, इसलिए हमने नहीं निकाला, लेकिन ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम स्पंजी है। और आप लोग ये इतना ज़रूर एक बार बनाइएगा, ये इतना बेहतरीन केक बनता है कि आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार इसे बनाएंगे। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, पूरे में मेरी रेसिपी फैला दें। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है दिल से, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।